दोस्तों, फैन में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए, कौन सा कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, जब आप नया फैन खरीदते हैं तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है, जैसे दोस्तों ये है फैन, तो इसमें कंपनी वाले हैं वो लगा कर देते हैं 2.25 mFd का कैपेसिटर, ठीक है। और जो फैन है वो 230 वोल्टेज पर सही स्पीड देता है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके यहाँ वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ 180 वोल्टेज आ रहे हैं और फैन स्पीड कम दे रहा है, तो इसमें कैपेसिटर आपका ख़राब नहीं है, कैपेसिटर आपका ठीक है। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज 230 आ रहे हैं और फैन स्पीड नहीं दे रहा है, तब आपको कैपेसिटर दूसरा लगा देना है। दूसरा भी कैपेसिटर वो ही लगाना है जो इसमें जितने नंबर का लगाओ, जैसे 2.25 का लगा है तो इसी नंबर का लगाना है। अगर फिर भी फैन स्पीड नहीं दे रहा है, तब आपको 3.25 mFd का कैपेसिटर लगा देना है, तो फैन आपका सही चलने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।